आगे करते हैं रेजिस्टेंस का जो भी प्रॉब्लम हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले जो बनता प्रॉब्लम भाई, वो बनता है कि आपको एक डायग्राम दिया जाएगा और आपको निकालना पड़ेगा उसका रेजिस्टेंस कितना है, अभी नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। और इस क्वेश्चन सोल्व तभी हो पाएंगे जब आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल पाओगे अभी, ठीक है। तो पहले हम वही सीखते हैं अभी। देखिए, रेजिस्टेंस निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सीरीज में है कि पैरेलल में है। कई डायग्राम आपको ऐसे मिलेंगे जब पता नहीं चल पाएगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका खुद का डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम भी। क्या बोलते हैं उसका? इक्विवेलेंट डायग्राम। डायग्राम बनता कैसे है, हम स्टार्टिंग बिल्कुल आसानी टॉपिक से करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा प्रॉब्लम था ये ऐसा, अभी याद है, वी हैव थ्री रेजिस्टेंस। ये सीरीज है कि पैरेलल है भाई? इट इज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, यस और नो? इसका आंसर कितना था, नेट इफेक्ट रेजिस्टेंस कितना था इसका? इट इज़ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये बेसिक है अभी। इसमें करंट कॉन्स्टेंट होता है, पोटेंशियल वेरी करता है अभी, सही है। सेकेंड भी हर एक को लिखो, हर एक एग्जाम्पल को लिखना आपको, तो आसान हो। ये तीन रेजिस्टेंस लगा रखे बिटवीन ए एंड बी भी। कौन से रेजिस्टेंस हैं? आर वन, आर टू, आर थ्री। तीनों आपको क्वेश्चन करेगा कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट ए एंड बी। कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। जब से पूछे ना कि ये इनके बीच का निकालो, मतलब क्या पक्का है बैटरी वहाँ जोड़नी है उनको भी, सही है कि नहीं है? कहाँ जोड़नी बैटरी? जिनके बीच में आपको निकालना है। कर पाओगे? तो इसका आंसर कितना आएगा नेट इफेक्टिव का? 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री, सही है? यस और नो? क्वेश्चन ये है, ये तो पता है मेरे को, एक सीरीज है कि पैरेलल है, ये कर देंगे हम लोग। सीरीज में क्या कांस्टेंट करंट, पैरेलल में क्या कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस भी, ओके। अब ये मिक्स ग्रुपिंग वाले होते हैं कुछ, ये पता मेरे को कि सीरीज में कौन सा और पैरेलल में कौन सा। ये आर वन है, ये आर टू है, आर थ्री। देखिए यहाँ पे आपको निकालना है बिटवीन ए एंड बी भी, तो पक्की बात है बैटरी जोड़ेंगे बिटवीन ए एंड बी, यस और नो? अब प्रॉब्लम क्या है, इसको सोल्व करना है अभी आपको। तो पहले इसको सोल्व कीजिए, आर टू आर थ्री किस में है? पैरेलल में। सोल्व हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो आर वन के साथ किस में है? सीरीज में। करके देखो सोल एक बार। इसका 5 ओम का है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। आर टू आर थ्री का वैल्यू कितना होगा? 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, 2 बाई 10, 1 बाई 5, उल्टा करोगे आंसर इज 5। तो एक 5 यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक पूरा 5 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। 5 प्लस 5 कितना आंसर हुआ? 10 ओम भी। ऐसे निकालना है, ठीक है? 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 ओम। कर लोगे? इसका एक और फॉर्मेट, अभी बैटरी दे के जोड़ा हुआ था, अब यही कंडीशन कर लेते हैं। यही एग्जांपल आपका, सेम एग्जांपल यूज कर रहा हूं। बैटरी, अब की बार बैटरी जोड़ी हुई है, डायरेक्ट बैटरी जोड़ दी मैंने। ये आर वन था अभी, आर वन इज 5 ओम, आर टू 10 ओम, आर थ्री 10 ओम, बैटरी 10 वोल्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेट आर वी। क्या निकालिए? नेट रेजिस्टेंस निकालिए, ओके। फिर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये पॉइंट को सी मान लो, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट कौन सा? सी। फाइंड द नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी, सही है। थर्ड क्वेश्चन भी, फाइंड करंट इन आर टू रेजिस्टेंस, फाइंड करंट इन आर टू, ओके। ये टॉपिक तो लोअर क्लास का है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अभी विद वैल्यू। ये अगर ऐसे हैं तो बड़े आसान क्वेश्चन है अभी, सिंपल सेम।
पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट आर, हमने निकाल लिया कितना रेजिस्टेंस है टोटल हमारा यहाँ पे, कितना है 10 ओम। नेट पहला पॉइंट भी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम, कैसे निकाला, दोनों पैरेलल में हैं 5 आंसर आएगा, 5+5 सीरीज में है 10 आंसर आएगा भी। दूसरी बात क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, याद है ना, अब ये वाला और ये वाला सीरीज में है भाई, ओके इसका वोल्टेज वी वन होगा, इसका वोल्टेज कितना है वी टू, तब वो क्या निकालना है, वी वन निकालना है, यस और नो। और वी वन के लिए क्या चाहिए आपको, अभी आई चाहिए, अरे इसने तो उसका यूज़ कर ही लेंगे, तो करंट कैसे निकालोगे, करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V बाई R कर दूँ, V कितना है 10/5, कितना हुआ 2 ओम, 5/10, नेट रेजिस्टेंस कितना था 10, कितना होगा 1 एम्पियर भी, 1 एम्पियर, तो पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, यस और नो, कर पाओगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी वन का, 1 × R1, आर वन कितना है 5, कितना हो गया 5 वोल्ट, समझ में आया कि नहीं आया, कितना वैल्यू आया 5 वोल्ट, इसका वैल्यू हो गया 5 वोल्ट भी। वैसे सीधी सी बात है, वी इक्वल टू क्या होता है V1+V2, नहीं ऐसा भी निकाल सकते हैं इसका भी, इसका कितना आएगा 5 वोल्ट, समझ में आया कि नहीं आया भाई, कर भी सकते हो उसका रेजिस्टेंस निकाल के वैल्यू निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है, कर लोगे। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट बिटवीन, करंट थ्रो द आर टू रेजिस्टेंस भी, अब ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, पक्का करंट बटेगा भी यहाँ पे, तो करंट थ्रो आर टू, इसको मैं आई टू ले लूँ भी, आई टू क्या होगा वी बाई आर टू, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है अभी, कौन सा पोटेंशियल वी टू वाला, सही है कि नहीं है, तो V2 कितना है 5, R2 कितना है 10, कितना आंसर हुआ 1/, या इसको 0.5 ले लूँ, 0.5 एम्पीयर करंट भी। एक फॉर्मेट ये है न्यूमेरिकल्स का भी, न्यू वैल्यू दे के निकाले, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो तो दिक्कत नहीं उसमें, तो कोई कर पाओगे, एनी प्रॉब्लम भाई, हो जाएगा ना, रब कर दे। देखिए अभी क्लास, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है अभी, रेजिस्टेंस आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, आर सिक्स भी, ठीक है, आपको निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, हर टीचर का अलग मेथड होता करने का भी, प्लस मेरा अलग है थोड़ा सा, और मेरे क्वेश्चन से 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अभी, हाँ 10 तो बचेंगे ऐसे कि कुछ और करना पड़ेगा उनमें आपको, ठीक है। तो तरीका क्या करने का, आपको पूछा जाएगा फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप पहले ए और बी पॉइंट बना लीजिए डायग्राम, आपको ये आपको दिया होगा एग्जाम के अंदर भी, और आपको खुद डायग्राम बनाना पड़ेगा अभी, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम भी उसका भी। तो उसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, आप पॉइंट बना लो जिनके बीच में निकालना है, सही है, हो जाएगा। याद रखिए करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करता है अभी, ठीक है, तो आप ए से चलना शुरू करो और बी तक पहुंच जाओ अभी, छोटे छोटे पाथ यूज़ करते हुए, तो कैसे चलोगे आर वन, आर टू, आर थ्री, जो आप चले तीनों किस में हैं सीरीज में, कर पाओगे, जोड़ते हैं, जोड़ दो यहाँ पे आर वन, आर टू, आर थ्री, सही है, ये R1 है, R2 है, R3 है। जब हम चल रहे थे R1, R2, R3, तो रास्ते में पॉइंट मिल रहे हैं मेरे को कुछ, जहाँ पे कटिंग हो रही है अभी, ठीक है, नाम दे दो, देने हो तो C और D मान लेते हैं। पॉइंट C कहाँ पे है अभी, ये R1, R2 के कहीं बीच में है, तो ये पॉइंट C मान सकता हूँ। D पॉइंट कहाँ पे है, R2 और R3 के कहीं बीच में है, इट इज डी पॉइंट,
सी और डी में क्या जुड़ा हुआ, देखिए आर फोर आर फाइव और आर सिक्स जुड़े हुए हैं, सही है, किसमें, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में, जोड़ दो भाई, डी सी और डी में जोड़ने की बार आपको, कौन कौन से हैं, आर फोर आर फाइव और आर सिक्स, आर फोर आर फाइव आर सिक्स, सही है। अभी आपका इक्विवेलेंट डायग्राम है, खुद का डायग्राम जो मैंने बनाया है। अब देखो यहाँ पे आर फोर आर फाइव आर सिक्स सीरीज में आंसर निकाल सकते हो, जो आंसर आएगा वो आर टू के साथ पैरेलल में है, सोल्व कर पाओगे, जो आंसर आएगा आर वन आर थ्री के साथ किस में है, सीरीज में है, इजिली सोल्व हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, समझ में आई कि नहीं आई, ये तो कर पाओगे ना, सीरीज में कर लोगे तो पैरेलल में कर लोगे आंसर आएंगे उनके, ये तीनों किस में है, सीरीज में, जो आंसर बनेगा एक का बनेगा, सिंगल आंसर आएगा इसका, सिंगल आंसर इसके बाद किस में है, पैरेलल में, जो आंसर आएगा वो सिंगल बनेगा, जो आंसर आएगा वो आर वन आर थ्री किसका किस में है, सीरीज में, हो गया सॉल्व। ओके नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसका केस कर लेते हैं, एक और हमारे पास ये अरेंजमेंट है, अभी इट इज़ आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स आर फोर आर फाइव आर सिक्स, यहाँ पे एक जोड़ दिया मैंने, इट इज़ आर सेवन, आपको निकालना है बिटवीन ए एंड बी, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वही तरीका अपनाओ, क्या तरीका है, पहले वो पॉइंट बनाओ जिनके बीच में आपको निकालना है, पॉइंट ए बना दिया, पॉइंट बी यहाँ से बनाते, दूर से बना लेते हैं, पॉइंट बी, सही है। अब शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करते हुए चलो, भाई आर वन आर टू आर थ्री सीरीज में है, जोड़ो ए से जाना शुरू करो, आर वन आर टू आर थ्री, सही है भाई, इट इज़ आर वन आर टू आर थ्री, ओके। इस पॉइंट को आप सी और डी पॉइंट मान सकते हो, कौन सा पॉइंट है सी, ये पॉइंट कौन सा है डी, कर लोगे जो तो नहीं है आप पता चल गए पॉइंट है यहाँ पे कोई ना कोई, सी और डी कौन से पॉइंट है, आर टू इनके बीच के कहीं पॉइंट है, ये पॉइंट मान लें, ये पॉइंट कौन सा है सी, ये कौन सा है डी, ठीक है भाई। अब यूज करो पाथ अगेन, कौन सा करोगे बताओ, सी आर सिक्स, आर सेवन और आर सिक्स जुड़े हुए हैं सी और डी के बीच में, सही है कि नहीं है, बनाए कौन सा, आर सेवन आर सिक्स, आर सेवन आर सिक्स, सही है कि नहीं है, जब मैंने आर सेवन आर सिक्स तरफ था एक और पॉइंट आ गया, एक पॉइंट बन गया जब कटिंग हो रही है, एक और ये पॉइंट किसके बीच का है, सेवन और सिक्स के बीच का कहीं पॉइंट है, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये यहीं पे कहीं पे, यस और नो, जो तो नहीं आपको पॉइंट लिखने की पता चलना चाहिए कि कौन सा काम पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसमें और सी में कुछ जुड़ा हुआ है, कौन सा, आर फोर और आर फाइव जुड़े हुए हैं, सी कहाँ पे है, तो यहाँ से जोड़ दो, ये सी तो है, कितना आर फोर आर फाइव, सही है कि नहीं है, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, अभी कर पाओगे। अब देखो भाई आर फोर आर फाइव किस में है, सीरीज में, जो आंसर आएगा आर सेवन के साथ किस में है, जो आंसर आएगा आर सिक्स के साथ किस में है, जो आंसर आएगा आर टू के साथ, जो आंसर आएगा आर वन आर थ्री के साथ, हो गया सॉल्व, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाओगे, एनी प्रॉब्लम भाई, इस तरह सॉल्व करने वो क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल भी ठीक है।
अब इसमें भी सेम तरीका अपनाना भाई, तरीका वही रहेगा क्लास। पहले पॉइंट बनाते हैं जहाँ पे आपको निकालना है, कर लोगे? तो कौन से पॉइंट हैं? ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अब इस डायग्राम को चेक करोगे, देखो जो जो वायर यूज़ करते हैं डायग्राम के लिए, वो वायर हम मान के चलते हैं उनका रेजिस्टेंस जीरो है। जो रेजिस्टेंस जीरो है तो वहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा वोल्टेज का भी, तो सेम पोटेंशियल मिलेगा हर जगह पे भी, कर लोगे? अगर ये वायर है बी तो ये पॉइंट बी होना चाहिए, सेम वायर तो ये पॉइंट बी होना चाहिए, ये पॉइंट बी होना चाहिए, ये पॉइंट बी होना चाहिए। वायर का पोटेंशियल पूरी वायर पर जब ड्रॉप ही नहीं हो रहा कहीं, तो आंसर क्या आएगा? पोटेंशियल का सेम आएगा, जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना ही वहाँ पे, उतना वहाँ पे, हर जगह पे। यस और नो? ये भाई एक वायर आ रही लाइव वायर, उसका हम बोल सकते हैं हर जगह पोटेंशियल क्या है उसका, बराबर है भाई। और नेक्स्ट में जीरो है तो डिफरेंस बनेगा या उनके साथ बनेगा? आपने देखा होगा ना कि पावर लाइन्स के ऊपर पक्षी बैठ जाते हैं, उनको करंट क्यों लगता? इस पैर का पोटेंशियल इस पोटेंशियल का, एक सिंगल वायर बैठे हैं ना, सेम है भाई, और सेम करंट पे उनकी बॉडी से करंट फ्लो ही नहीं कर सकता भाई। लेकिन ये बात बंदरों को पता नहीं है, वो क्या करते हैं, एक ऊपरली वायर पकड़ते हैं, नीचेली पकड़ते हैं, ऊपर वाला मैक्स, नीचे वाला जीरो, डिफरेंस बन गया भाई, बॉडी से करंट फ्लो करता है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो ये पोटेंशियल क्या है, बराबर है भाई। ये पॉइंट सी मान लूँ बीच वाला कोई, तो मेरे को बताओ क्या क्या जुड़ा हुआ भाई? पहले इसको चेक करते हैं, तो सीधा है ए और बी में क्या जुड़ा हुआ है? ए और बी में कुछ नहीं जुड़ा हुआ, सी और बी ए में जुड़ा हुआ है। पहले तो सी और बी में क्या जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट और बनाना पड़ेगा मेरे को, सी पॉइंट बी, ठीक है। सी और बी में क्या जुड़ा हुआ पहले बताओ, ए सी बी आर टू, सही है। क्या जुड़ा हुआ है सी और बी में? आर टू, जोड़ दें भाई। सी और बी में क्या जुड़ा हुआ है? आर थ्री, जोड़ो। सी और बी में क्या जुड़ा हुआ है? आर फोर, हो गया कंप्लीट। और सी और ए में क्या जुड़ा हुआ है? आर वन, सुन कर सकते हो? यस सर नो? तीनों किसमें है? हो गया आंसर कोई, जो आंसर आएगा आर वन के साथ किसमें है, सॉल्व हो गए भाई। यही कर लेते हैं इसका एक एग्जांपल और, ये है भाई R1, R2, R3, R4। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब डायग्राम में चेक करो भाई, देखिए कहाँ कहाँ पॉइंट सेम होंगे भी। ये पॉइंट B है, तो ये भी B होना चाहिए। यस और नो? ये पॉइंट A है तो ये भी A होना चाहिए, ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होना चाहिए, ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होना चाहिए। ये वाला अलग होगा कैसे? तो ये है, क्यों इसको भी तो वही है? नहीं समझ में आई बात तुम लोगों को? आई कि नहीं आई? सेम पोटेंशियल तो है, वही तो बना रहा हूँ हर जगह पे। डायग्राम बनाऊँ कैसे बनाओगे? ए और बी के बीच में जोड़ने हैं, कौन कौन जुड़ रहे हैं भाई ए और बी में? ए और बी में आर वन है, ए बी में आर टू है। अरे सुनो तो एक बार, करंट तो मेरे को, ए बी में क्या है आर वन, ए बी में क्या है आर टू, ए बी में क्या है आर थ्री, सेम पॉइंट में जुड़ने तो पैरेलल में है तीनों भी। ये बात सही है कि नहीं है? आर वन आर टू आर थ्री
सही है। आर फोर भाई, ये भी ए पोटेंशियल है, ये भी ए पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं कर सकता तो लगाने का फायदा ही नहीं है, है नहीं, तो ये आंसर है। तो ये वाले केस एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं, इसको बोलते हैं ओपन लैडर केस। भी सीढ़ी देखिए ना, सीढ़ी खुली होती है, देखी होगी, नहीं देखी? ठीक है, इसको आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, आर सिक्स, आर सेवन, आर एट, ए बी सी और डी। डायग्राम बनाओ, इसके कई केस बनते हैं, वो सारे केस करा के देखेंगे आपसे क्या हो रहा है। डायग्राम बना लो, एक केस मैंने किया था यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहा था हम लोगों ने, याद है? ये क्लोज लेटर था वो, ओपन लेटर में केस आते हैं अभी। सीढ़ी देखिए ना, लेटर को बोलते हैं सीढ़ी। हो गया डायग्राम। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा वो, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का, बिटवीन ए एंड डी। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डी। जब भी ये बात करता है कि इनके बीच का निकालो, पक्का बैटरी वहाँ जोड़नी है उसको भी। यस और नो? यस और नो? अगर आप ए और डी में बैटरी जोड़ लेते हो तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मान लेता हूँ करंट ए से डी की तरफ जा रहा है भाई, कैसे जाएगा जब फ्लो करंट फ्लो कर रहा है तो? जब करंट ए से डी में जाएगा तो कैसे जाएगा अभी? ए चलना शुरू होगा और डी तक पहुँचना उसको भी। तो पहले कौन आएगा? आर वन आएगा। आर वन से करंट बटेगा, कुछ करंट यहाँ पे, कुछ करंट यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट आ रहा है वो फिर बटेगा भाई, कुछ करंट यहाँ पे, कुछ करंट यहाँ पे, क्या यहाँ पे करंट जाएगा सी के पास भी? सीधा ओपन वायर है भाई, कभी ओपन वायर में करंट फ्लो करता ही नहीं है। कंडीशन क्या करंट फ्लो करने की? एक तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, एक तरफ क्या होना चाहिए? नेगेटिव। या तो नेगेटिव तो है ही नहीं। यस और नो? तो इसको बोलते हैं ओपन केस भाई, ओपन वायर में करंट फ्लो नहीं करता। जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, इसको लगाने का फ़ायदा नहीं है। सही है कि नहीं है? तो यहाँ से करंट जा रहा है, फिर बटा नीचे गया, यहाँ पे सेवन में जाएगा, क्या सेवन में करंट जाएगा भाई? ओपन केस है भी, नेगेटिव नहीं मिला इसके पास, कर लोगे तो किसके पास करंट जा रहा है अभी? आर एट के पास। सही है कि नहीं है? अब डायग्राम से अगर ये दो को हटा दिया जाए तो मेरा डायग्राम ये बनता है। इनको डायग्राम को बनाऊं तो क्या बनेगा? पॉइंट ए, एक बात तुरंत क्या रहा है वही बना रहा डायग्राम तुम्हें, ए और बी के बीच में। फिर क्या रहे हैं? आर फोर, आर फाइव, क्या रहे हैं? आर फोर, आर फाइव। फिर क्या रहा है? आर एट। फिर क्या रहा है? डी पॉइंट। सही है, आर वन, आर फोर, आर फाइव। जब आर फोर आर फाइव तक जा रहे थे, कुछ फोर में जुड़े हुए हैं इनके साथ भी, कौन से जुड़े हुए हैं? आर टू और आर सिक्स। सही है कि नहीं है? ये कौन सा है? आर एट। हाँ लिख दो, यहाँ से ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, कर लोगे ठीक। वैल्यू दिन कुछ भी कर लो, करंट या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, जाएगा दोनों तरफ। हाँ वैल्यू अलग हो सकती है करंट की, जाएगा जरूर करंट की वैल्यू, जाएगा तो लिखना पड़ेगा आपको करंट को। पाथ वे पाथ ये पे लिखो, पहले या बाद में लिखो, आंसर पैरेलल का ही आना है, क्योंकि दो पॉइंट फिक्स हो गए भी इनमें जुड़े हुए। ठीक है, अब देखो आर फोर, आर फाइव, आर टू, आर सिक्स पैरेलल कम्बिनेशन में है, सोल्व कर पाओगे कि दोनों सीरीज में हैं? दोनों सीरीज में हैं, जो आंसर आएगा पैरेलल में है, आंसर हो गया वो आंसर। आर वन और आर एट के साथ किस में है? सीरीज में। निकाल लो, दिक्कत करेगी? एनी प्रॉब्लम भाई? ये बनाओ इक्विवेलेंट डायग्राम, हो गया। अब निकालो भाई, ये क्या था यहाँ पे? आर सेवन, यहाँ पे आर थ्री, ये बी पॉइंट था,
सी, ये पॉइंट कौन सा था, बी। आपको निकालो ए और बी के बीच का, भी ए और बी के बीच का निकालिए। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, पक्की बात है बैटरी कहाँ जोड़नी है हमको, ए और बी में जोड़नी है, यस और नो? जब बैटरी आपको ए और बी में जोड़नी है तो आर थ्री और आर एट में करंट फ्लो करेगा भाई, नहीं कर सकता, ये ओपन केस है भाई, ये है नहीं, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? आर थ्री और आर एट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हटा के देखो इनको, क्या लगा तीनों सीरीज में, जो आंसर आएगा वो पैरेलल में है आर फोर के साथ, और जो आंसर आएगा वो आर वन और आर सेवन का किस में है, सीरीज में है। डायग्राम बन गया, इक्विवेलेंट डायग्राम से बनाओ, बनाओ ये बनाओ, इसका किसके लिए है, ए एंड बी के लिए, किसी का बना सकते हो, जहाँ से करंट फ्लो करेगा उसको यूज करना है, नहीं करेगा उसको काट दीजिए, समझ में आया? बना लिया डायग्राम, वापिस जोड़ते हैं, ये पॉइंट क्या था भाई, क्या था ये पॉइंट, ये आर थ्री सी, ये क्या था आर सिक्स, ये वाला आर एट, और ये डी, ए और सी में निकालो, ए और सी में जब जोड़ेंगे तो आर सेवन और आठ जीरो जाएंगे, है नहीं हमारे पास, तो आर फोर आर फाइव आर सिक्स सीरीज में है भाई, जो आंसर आएगा वो आर टू के साथ किस में है, पैरेलल में है, जो आंसर आएगा वो आर वन आर आर थ्री के साथ किस में है, सीरीज में, हो गया सॉल्व, कोई भी एग्जांपल कर सकते हो, एक से कम चल जाएगा, कर पाओगे भाई? इसको बोलते हैं ओपन लैडर केस भी, आपको कहीं से भी जोड़ दे आंसर निकालना है, दिक्कत क्या रहेगी, जहाँ से करंट फ्लो करेगा वहीं पर निकालना है, बाकी को जो कर देना है, हो जाएगा भाई? नेक्स्ट अभी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, अप टू इन्फिनिटी भी, ठीक है, ए और बी, ओके, ये आर वन है, आर टू है, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, आर सिक्स, आर सेवन, आर एट, और सारे रेजिस्टेंस बराबर वैल्यू के हैं भाई, मैं मान लेता हूँ ऑल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर भी, सभी किस वैल्यू के हैं, आर के हैं, तो आपको क्वेश्चन किया होगा कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, निकाल सकते हो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया 3 नंबर में भी, न्यूमेरिकल्स ऑफ इनफाइनाइट लैडर्स, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ इनफाइनाइट लैडर भी, ठीक है, कैसे करोगे, देखो उसका करने का तरीका, अभी जब जब हम बात करते हैं इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी इन्फिनिटी हो सकता है, अभी टोटल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा, समझ में आया कि नहीं आया, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ोगे आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आना है, घटाओगे तो इन्फिनिटी आना, फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, मान लेते हैं अभी पूरा रेजिस्टेंस कितना है उसका एक्स, सही है, कुछ तो मानना पड़ेगा, क्या मान लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि ये R1 है भी, ये R2 है, ये R3 है भी, R1, R2, R3, मैं तीनों यूज़ कर रहा हूँ, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इसके बाद सारा रेजिस्टेंस जितना भी है उसकी वैल्यू ले लेता हूँ कुछ ना कुछ, इट इज़ वैल्यू ऑफ X भी, कितनी वैल्यू है उसकी, X, X ही तो निकालना, ठीक है, कर लोगे, अब ये देखिए x और ये r2 सीरीज में है कि पैरेलल में है, हर एक का वैल्यू है, इसको r r ले लूँ सभी को बराबर ले रखे मैंने, r ले लेते हैं इसको, कर लोगे, ये r और ये x किस में है, पैरेलल में, क्या आंसर आएगा इनका भी, वन बाई आर पे ले लूँ फॉर पैरेलल्स, वन बाई आर प्लस वन बाई एक्स, कितना होगा भाई, r प्लस एक्स बाई आर एक्स में, उल्टा करोगे तो आर पी बराबर है किसके,
आर एक्स बाई आर एक्स बाई आर प्लस एक्स भी सही है। ये हो गया इसका पूरे का आंसर में। अब ये तीनों सीरीज में है, सही है। सीरीज में कौन कौन है? आर आर पी आर, ले सकता हूँ 2R प्लस आर पी आर एक्स प्लस आर प्लस आर आर प्लस सॉरी आर एक्स बाई आर प्लस एक्स, सही है कि नहीं है? दिस 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 2R हो गए। पूरे कितना था? x x फॉर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में ही कुछ जोड़ा गया, आंसर क्या आना है? इन्फिनिटी, कितना आंसर आएगा? x ही आएगा। x किसके लिए है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए। समझ में आई बात है? ये चीज़ समझ में आ रही तुम लोगों को? क्या किया हम लोगों ने? ये x मान लिया पूरे इन्फिनिटी के लिए। भाई इन्फिनिटी में कुछ तो मन, ये तो जोड़े हैं तीन है ये सर ना, तो आंसर भी क्या आना है? इन्फिनिटी ही आना है। सोल्व कर पाओगे इक्वेशन को? करो, कितना आंसर आएगा? पूरा एल्स ले ले, आर माइनस एक्स सॉरी आर प्लस एक्स, कितना आएगा? एक्स आर प्लस एक्स इक्वल टू टू आर आर प्लस एक्स इक्वल टू सॉरी प्लस आर एक्स। जब पूरे का एलसीएम लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम को छोड़ सकते हैं भाई, पता है इस बात का? तो कितना आएगा? गुणा करें अंदर, कितना आएगा? एक्स आर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू आर स्क्वेयर प्लस टू आर एक्स प्लस आर एक्स, सही है यस और नो? तो इसको ऐसे ले जाते हैं, एक्स स्क्वेयर वाले इकट्ठे करो, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, बाकी किस तरफ लिया वो सारे भी एक्स आर एक्स आर कैंसिल कराते हैं इस तरफ आके भी, यहाँ पे माइनस टू आर एक्स माइनस टू आर स्क्वेयर इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन सोल्व करनी आती है, याद है एक्स निकालने का तरीका? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस की एक माइनस की भी, यस और नो? माइनस की हो नहीं सकती, तो आंसर किसका रहेगा? प्लस का। सोल्व कर लेना इसको भी।